चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचाने में कितना पैसा खर्च हुआ? करीब 600 करोड़, क्योंकि केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने ही ऐसा बयान दिया कि चंद्रयान 3 की चांद पर जब दक्षिणी ध्रुव पर वो कामयाब लैंडिंग हुई तो उन्होंने ये कहा था कि 600 करोड़ रुपए में भारत चंद्रयान 3 का मिशन जो है वो चांद तक ले गया। अब 600 करोड़ रुपए में धरती से चांद पर चंद्रयान पहुंच सकता है, लेकिन 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मध्य प्रदेश के 7 बड़े शहरों का प्रदूषण कम नहीं हुआ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 7 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और देवास, यहां प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए 4 साल में 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इन शहरों में प्रदूषण कम होने के बजाय 24% तक बढ़ गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साल 2019 में केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के तहत देश के 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 49 शहर और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 82 शहरों को शामिल किया गया था। जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि दुनिया के देशों में क्लीन एयर प्रोग्राम को पूरा करने में 16 साल का वक्त लगा, लेकिन भारत इसे 2024-2025 तक पूरा कर लेगा। अब इस प्रोग्राम के तहत सबसे अहम था वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी PM10 की वैल्यू में 40% तक की गिरावट लाना। PM10 हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। जब PM10 की वैल्यू 60 से ऊपर होती है तो इसका मतलब ये है कि हवा सांस लेने लायक बिल्कुल नहीं है। इस योजना में मध्य प्रदेश के 7 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और देवास को शामिल किया गया था। योजना लॉन्च हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन शहरों की हवा साफ होने के बजाय और भी प्रदूषित हो चुकी है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था तब बेस ईयर रखा गया था 2017-18, यानी इस साल जो PM10 की वैल्यू थी उससे कम होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या? मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक क्या हुआ वो आपको बताते हैं। भोपाल में 2017-18 में PM10 की वैल्यू थी 112, 2022-23 में ये वैल्यू है 125.5, यानी 12% की बढ़ोतरी। इंदौर में 2017-18 में PM10 की वैल्यू 82 थी, जो 2022-23 में बढ़कर हो गई 101.78, यानी सीधे 24% की बढ़ोतरी। ग्वालियर में 2017-18 में PM10 की वैल्यू थी 126, 2022-23 में ये वैल्यू हो गई 137.01, यानी 9% की बढ़ोतरी। जबलपुर में 2017-18 में PM10 की वैल्यू थी 101, जो 2022-23 में हो गई 111.85, यानी 11% की बढ़ोतरी। उज्जैन में 2017-18 में PM10 की वैल्यू 93 थी, जो 2022-23 में बढ़कर हो गई 111.15, यानी 24% की बढ़ोतरी। सागर में 2017-18 में PM10 की वैल्यू 73 थी, जो 2022-23 में बढ़कर हो गई 86.73, यानी 19% की बढ़ोतरी। और देवास में 2017-18 में PM10 की वैल्यू 83 थी, जो 2022-23 में हो गई 96.48, यानी 16% की बढ़ोतरी। अब इस प्रदूषण को कम करने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च किया गया, इसके बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो सका। किस शहर में कितना पैसा खर्च हुआ अब वो भी आपको बताते हैं। भोपाल में 2019-20 में 10 करोड़, 2020-21 में 88 करोड़, 2021-22 में 51.35 करोड़, 2022-23 में 34.50 करोड़, इस तरह कुल 183.85 करोड़ रुपए की राशि भोपाल में खर्च की गई। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 2019-20 में खर्च हुए 20 लाख, 2020-21 में 101 करोड़, 2021-22 में 51 करोड़, 2022-23 में 39.75 करोड़, इस तरह इंदौर में कुल राशि खर्च हुई 191.95 करोड़। ग्वालियर में 2019-20 में खर्च हुए 10 करोड़, 2020-21 में खर्च हुए 51 करोड़, 2021-22 में खर्च हुए 13.85 करोड़ और 2022-23 में खर्च हुए 20.25 करोड़, इस तरह ग्वालियर में कुल राशि खर्च हुई 95.10 करोड़। जबलपुर में 2019-20 में कोई राशि खर्च नहीं हुई, जबकि 2020-21 में 59 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2021-22 में
30 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2022-23 में 23.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस तरह जबलपुर में कुल राशि खर्च हुई 112.25 करोड़। उज्जैन में 2019-20 में 20 लाख खर्च हुए, 2020-21 में 38 लाख, 2021-22 में 2.33 करोड़, 2022-23 में 3.75 करोड़। इस तरह कुल राशि खर्च हुई 6.66 करोड़। सागर में 2019-20 में 10 लाख रुपए खर्च हुए, 2020-21 में 76 लाख, 2021-22 में 1.34 करोड़, 2022-23 में 2.19 करोड़। इस तरह सागर में कुल 4.39 करोड़ रुपए खर्च हुए। देवास की बात करें तो देवास में 2019-20 में 10 लाख खर्च हुए, 2020-21 में 38 लाख खर्च हुए, 2021-22 में 1.33 करोड़ खर्च हुए, 2022-23 में खर्च हुए 3.81 करोड़। इस तरह देवास में कुल 5.62 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। यानी मध्य प्रदेश के इन 7 शहरों में खर्च की गई कुल राशि देखी जाए तो ये राशि 600 करोड़ के आसपास हुई। 600 करोड़ रुपए में भारत ने धरती से चंद्रमा तक चंद्रयान 3 पहुंचा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के 7 शहरों में 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हवा प्रदूषित की प्रदूषित ही है। हवा साफ नहीं हो सकी, बल्कि और ज्यादा खराब हो गई। अब इस हवा को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मध्य प्रदेश सरकार के पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इन शहरों के स्थानीय निकायों की ये जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने पैसा तो पानी की तरह खर्च किया, फिर हवा साफ क्यों नहीं हुई? प्रदूषण कम क्यों नहीं हुआ? कहां खर्च किया गया जनता की गाढ़ी कमाई का ये पैसा? ये बेहद अहम सवाल है। इससे अच्छा तो ये होता कि ये 600 करोड़ भी इसरो को दे दिए जाते तो चंद्रयान 3 के अलावा एक और ऐसे ही मिशन वो लॉन्च कर सकते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जनता के टैक्स का पैसा है। भारत सरकार ने इंटरनेशनल ट्रीटी की हुई है कि वो अपने शहरों को साफ करेगा और उस वजह से मध्य प्रदेश के 7 शहर शामिल किए गए थे। 600 करोड़ रुपए 4 साल में खर्च किए गए, लेकिन प्रदूषण तो कम हुआ ही नहीं। आज भी आप इंदौर निकल जाइए, जब ट्रैफिक होता है, भोपाल में जब ट्रैफिक होता है तो आंखों में जलन होना स्वाभाविक है। तो कहाँ जा रहा है पैसा? जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई है, सबसे बड़ा सवाल यही है।